Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Wands Tarot Hindi Urdu और ये है आपके लिए नई reading. आपके लिए singles कौन आ रहा है for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके लिए कौन आ रहा है next in your life. काफ़ी सारे लोगों ने request की थी, आ गई. channel को ज़रूर subscribe कर लो, friends like कर लो, share कर लो, Instagram पे join कर लो. personal readings के लिए visit our website. ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो कभी भी देख सकते हो आप. और फ्रेंड्स लव मैसेज वाली, लव लेटर वाली रीडिंग मैंने कर दी थी, लिंक्स टाइम स्टेम्प्स में है, आप देख सकते हो. बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैंने फाइनली कर दी है, जल्दी जल्दी देख लो. ये रीडिंग है फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो आज हम देखेंगे सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. वाटर साइंस और उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है उस पर्सन की तरफ से. थीम, लेट्स सी वाटर साइंस के लिए क्या थीम है लव लाइफ का. ओके वाओ. सो डेफिनेटली पहली चीज तो मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ में काफी सारे कम्युनिकेशंस आने वाले हैं, कमिटमेंट आने वाले हैं, काफ़ी फास्ट चीज़ें होने वाली हैं, डेवलपमेंट्स होने वाले हैं. आई ऑल्सो फील कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है या आप किसी को मिस कर रहे हो. वाटर साइंस मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे. कर्मा, आई फील आपकी लव लाइफ एक डेस्टाइंड उसमें जा रही है. आप एक कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो और एक नई डेस्टाइंड और नई साइकिल के अंदर जाओगे फ्रेंड्स. सो बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में करंटली चल रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगे. वाटर साइंस, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है. आप आने वाले दिनों में बहुत बिजी होने वाले हो, काफ़ी आपको यू नो लाइफ विल बी बिजी, थिंग्स विल बी हैपनिंग जल्दी जल्दी जल्दी. आई ऑल्सो फील डेस्टिनी इज एट वर्क आपकी लव लाइफ में. लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड. या आई डू फील आपको चॉइस मिलने वाली है फ्रेंड्स. पास्ट पर्सन या नए पर्सन के अंदर से आपके लिए डेफिनेटली चॉइसेस आ रही हैं. एंड एरीज, लियो, सैज या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं. एंड आई डू फील के जो भी हर्ट या पेन हो सकता है, आप यू नो किसी अभी भी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो या यू स्टिल लव देम, बट यू नो कीप फाइटिंग फ्रेंड्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपके लिए नए पर्सन आ रहे हैं. एंड इट इज़ डेस्टाइंड, आपको चॉइस मिलेगी लव के अंदर, आपकी डेस्टिनी में है. ऑल्सो जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो भी आपको वापस पाना चाहते हैं, बिकॉज ये भी एक आपके कार्मिक और डेस्टिनी का पार्ट है कि जो छोड़ के गए वो आपको मिस करेंगे और आपको दोबारा पाना चाहेंगे. जो आपसे दूर भाग रहे थे अब वो आपको पास बुलाना चाहते हैं, वो अब आपको मिस कर रहे हैं. वाटर साइंस, इट्स अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी. लेट अस सी के आपके लिए आ कौन रहा है एग्जैक्टली. ओह माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत जंप आउट हो रहे हैं. तो काफ़ी सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं पहली चीज़ तो इस कनेक्शन के अंदर. आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं. वाटर साइंस, ये पर्सन हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले या आपके वर्क ऑफिस से, या यू नो हो सकता है आपको अरेंज मैरिज प्रपोजल्स, या कभी आप इस पर्सन से मैरिड भी रहे हो सकते हो, या इंगेजमेंट या ऐसा कुछ की बातें करी हैं आपने इस पर्सन से. आई फील टू एनर्जीज, दो लोग आ रहे हैं आपके लिए, तैयार हो जाओ. एक नए पर्सन है जो कि ऑनलाइन या थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी तरह के पढ़ाई कोर्स के थ्रू मिलेंगे, दूसरे आपके पास्ट हैं. द वर्ल्ड, येस आई डू फील के नए पर्सन आ रहे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आपसे, अलग सिटी कंट्री से हैं. एट ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन भी आ रहे हैं. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी. आई डू फील के आपको चॉइस मिलेगा. टेन ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील के एक पर्सन के साथ ऑलरेडी या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है कभी आपसे ही इनकी शादी की बात चली हो. सिक्स ऑफ कप्स, आपके सोलमेट आ रहे हैं. वाटर साइंस, हो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होने वाली है आपकी लव लाइफ. आप बहुत बिजी होने वाले हो, बहुत सारी बातें रहेंगी, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो थोड़ा सा अगर आप अभी फ्री हो तो बिल्कुल इन्जॉय करो लाइफ को. आने वाले दिन काफ़ी बिजी हैं वाटर साइंस. पास्ट लोग भी आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं. थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से हैं हमारे सही वाले सोलमेट. सो या व्हाट एल्स, हु इज कमिंग फॉर वाटर साइंस.
या आई डू फील के यू नो जो पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे या जिनको ट्रस्ट इश्यूज थे या फाइनेंशियल इश्यूज थे, आपके रिलीजन डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से आपकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, वो पर्सन डेफिनेटली अब आपको प्रपोजल देने वाले हैं। आई ऑल्सो फील वॉट आर साइंस, कोई पर्सन नए आ रहे हैं और वो आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन हो सकता है आप उन्हें मना कर दो बिकॉज यू स्टिल लव समबडी फ्रॉम योर पास्ट। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी पास्ट के ड्रीम के लिए आप किसी नए पर्सन को ना कह दो। एस ऑफ पेंटिकल्स एक पावरफुल स्टार्ट आ रहा है। आई डू फील ये पर्सन जो है आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और ये बहुत ही स्टेबल और सिक्योर कनेक्शन रहेगा और काफ़ी रोमांटिक भी हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप लोग भी किसी को प्रपोजल दे दो आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, आप भी मुझे लग रहा है अपने पास्ट पर्सन को लिख के बोलेंगे हे आई मिस यू। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपकी लव लाइफ। वाटर साइंस, दो लोग आ रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, आप भी किसी को मैसेज कर रहे हो, सो काफ़ी कुछ चल रहा है। सभी आपको पसंद करते हैं वाटर साइंस। चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। ओ ओके, पहले देखते हैं आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। हाउ योर रिलेशनशिप विल बी विद दिस पर्सन। काफ़ी फायरी, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, कम्युनिकेशंस पूरे रहेंगे, पर आपके पर्सन डोमिनेशन की पूरी कोशिश करेंगे, वो अपनी चलाना चाहेंगे, आप अपनी चलाना चाहोगे। आई ऑल्सो फील आपको लग सकता है ये पर्सन जो है कम बोलते हैं, ज़िद्दी हैं, कभी बोलते हैं कभी चुप हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ रहेगी इस कनेक्शन में कि अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। इनिशियली बहुत ज़्यादा क्विक स्टार्ट होगा रिलेशनशिप में, बहुत ही फॉरवर्ड भी बातें बहुत होंगी, सारी रात बातें करना सारा दिन, लेकिन आपके पर्सन ना अपनी चलाएंगे, आपको फील होगा कि पर्सन बहुत डोमिनेटिंग टाइप से। ऑल्सो आप थोड़े से हेजिटेंट रहोगे कि कितना ओपन अप हुए या कितना यू नो क्या करें इस पर्सन के साथ, यू नो कितना धीरे लें या स्लो लें इस रिलेशनशिप को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको लग सकता है कि ये पर्सन थोड़ी अपनी चलाते हैं, जब मन होता है आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं, या आपको भी ऐसा लग सकता है कि यू नो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ रहा है अलग से, क्योंकि हो सकता है आप लोग डिफरेंट टाइम जोन से हो, अलग अलग सिटी से हो, अलग कंट्रीज से हो, तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। लेट्स सी सम एडवाइस। वाओ, रीच आउट। सो आई डू फील कि आप लोग कोई आपको आप या तो आप लोग वेट कर रहे हो किसी पर्सन के रीच आउट करने का, आपको मैसेज करने का, या आपका मन बन रहा है किसी को मैसेज करने का पास्ट में से। यस, डिसीजंस आ रहे हैं आपके लिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपली लव, यस आई डू फील एक स्वीट रिलेशनशिप आ रही है आपके लिए। आप फोकस करो प्यार और मोहब्बत पे ही, ईगो वगैरह या हर्ट और पेन पे मत फोकस करो फ्रेंड्स, बिकॉज उससे आपको और तकलीफ ही होगी और कुछ नहीं। और कोशिश करो कि आप नए लव को रीच एक्सेप्ट करो, और अगर पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें भी कोशिश करो आप वहाँ पे प्यार बढ़े और ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा नहीं प्यार बढ़े, सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ आने वाले दिनों में, तो यस, और डिटेल ये पर्सनल रीडिंग करा लो फ्रेंड्स आप लोग। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। ओ, इंट्यूटिव गॉडेस, ओके, एंड अनलर्न। सो या आई डू फील कि आपको कुछ चीज़ें पुराने लोगों का एक्सपेक्टेशंस हैं, या जैसे आप जो भी सोच रहे हो आपके डर हैं उनको फेस करना पड़ेगा। आई ऑल्सो फील आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपके इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रहा है। ऑल्सो अगर पास्ट पर्सन है तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते अपने ईगो वगैरह से, बट आपको फिर भी अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। एंड द गॉडेस काली, येस आई फील बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप आ रही है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स। ये पर्सन एक्सट्रीमली पावरफुल है और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इस रिलेशनशिप में चीज़ें डेवलप होंगी, तो हाईली इमोशनल ये रिलेशनशिप होगी, आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो सकते हैं इसमें। सो या एंड लीगलाइज फ्रीडम। ओ, आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप से हो सकते हो, या यू नो कुछ डिफरेंट हो सकता है रिलीजन कल्चर आप लोगों में, तो आपको ये बहुत ही लिबरेटिंग लगेगी रिलेशनशिप, या एक तरीके से
डर और यू नो प्यार के बीच की जंग है ये. सो या लेट्स सी सम मैसेज. व्हाट इज द मैसेज फॉर आवर ब्यूटिफुल वाटर साइंस. Boundless love. Today I'll open my eyes a little wider and walk a little taller. Noticing in the world around me is filled with tiny miracles. Wow. So I do feel के you know आप अगर थोड़ा सा अगर आप past के बाहर निकल के देखोगे disappointment के बाहर तो आप देखोगे कि ज़िंदगी में प्यार बहुत है आपकी and आप बहुत आसानी से you know प्यार पा सकते हो. एंड आई फील के आप जब पॉजिटिव फील करोगे तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी. तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन लव. आप ये मत बोलो प्यार मुझे नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट. सपोर्ट, वाह आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स. आई लुक एट द वास्ट नेटवर्क ऑफ सपोर्ट इन माई लाइफ एंड रिमाइंडेड ऑफ व्हाट अ सुपर पावर इट गिव्स मी. एट एनी मोमेंट आई कैन कॉल ऑन The army of top-notch people. Wow. So I feel आपके लिए काफ़ी सारा सपोर्ट आ रहा है. आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है. आपको पास्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. जो नए लोग आ रहे हैं वो सपोर्टिव हैं ट्रस्टवर्दी हैं. हाँ बहुत इंटेंस और पावरफुल कनेक्शंस हैं बट यू कैन ट्रस्ट देम. सो वॉट इज साइंस अभी के लिए तो इतना ही. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. अभी के लिए मिस्टेक सी सिंह बाय.